ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका के सबसे आकर्षक देशों में से एक है। यह दुनिया में पांचवा सबसे बड़ा देश है और पांचवी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ब्राजील में लोग ब्राजीलियन या स्पेनिश नहीं बल्कि पुर्तगाली बोलते हैं। वास्तव में ब्राजीलियन नाम की कोई भाषा ही नहीं है। ब्राजील मूल रूप से स्पेन की बजाय पुर्तगाल की तरफ से लैटिन अमेरिका का उपनिवेश में था, इसलिए देश में संस्कृति, जाति और भाषा पर पुर्तगाली प्रभाव देखा जा सकता है। ब्राजील का इटेपी डैम विश्व में पनबिजली उत्पादन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो 7.7 किलोमीटर लंबा और 196 मीटर ऊंचा है। ब्राजील के कैदियों को एक स्थिर साइकिल चलाने को दी जाती है ताकि पास के गांव में बिजली मिल सके। इस काम को करने के लिए उनकी सजा में कुछ दिनों की कमी आ जाती है। ब्राजील पहला दक्षिण अमेरिकी देश है जिसने 1980 के दशक में पहली बार औरतों को सेना में भर्ती करना स्वीकार किया था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्राजील देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ब्राजील में सबसे प्रसिद्ध कार्निवल त्योहार मनाया जाता है। यह मुख्य आकर्षक आमतौर पर रियो में देखने को मिलता है, हालांकि यह पूरे देश में मनाया जाता है। इस कार्निवल में दुनिया भर की सुंदर महिलाएं शामिल होकर अपने हुस्न का प्रदर्शन करती है और लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। कार्निवल में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में राजधानी की सड़कों पर उतरकर हजारों लोग नृत्य में हिस्सा लेते हैं। यह कार्निवल ब्राजील का सबसे लोकप्रिय वार्षिक सेलिब्रेशन है, जिसमें पूरा ब्राजील मदमस्त होकर सड़कों पर उतर आता है और जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक भी जमा होते हैं। 1695 में पहली बार ब्राजील ने सोने की खोज की थी और 18वीं शताब्दी में ब्राजील के पास दुनिया के कुल गोल्ड रिजर्व का ज्यादातर हिस्सा था। ब्राजीलियन कैदी अपनी सजा हर महीने जो भी किताबें वे पढ़ते हैं उस पर एक रिपोर्ट लिखकर सजा को 4 दिन तक कम कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार हर साल तकरीबन 6 मिलियन लोग ब्राजील घूमने आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लखपतियों की सूची में ब्राजील का 9वां नंबर आता है। 2016 में ओलंपिक को होस्ट करके ब्राजील ऐसा करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बना था। ब्राजील के एक द्वीप को सांपों का द्वीप भी कहा जाता है। इसे यहाँ स्नेक लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे सांप पाए जाते हैं। नागरिकों को इस द्वीप पर जाने की अनुमति नहीं है। दुनिया में बंदर की सबसे ज्यादा प्रजातियाँ ब्राजील में ही है। ब्राजील किसी समय पुर्तगालियों का गुलाम देश हुआ करता था। बाद में 7 दिसंबर 1822 को इसे आजादी मिली और इस देश का पहला संविधान 1825 में बनाया गया। ब्राजील के झंडे पर हरा रंग ब्राजील के जंगलों को, पीला रंग खनिज भंडारों को और नीला रंग का सर्कल और तारा उस सुबह को दर्शाता है जब ब्राजील आजाद हुआ था। रियो डी जनेरो का मरकाना फुटबॉल स्टेडियम ब्राजील देश का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, जिसमें एक साथ 1,80,000 दर्शक फुटबॉल मैच देख सकते हैं। ब्राजील के पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम द्वारा मुफ्त में लिंग परिवर्तन ऑपरेशन की सुविधा प्रदान की जाती है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के लिहाज से ब्राजील दुनिया में 6ठे स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है। ब्राजील की वर्तमान में राजधानी ब्रासिलिया है, जो ब्राजील के आजाद होने के बाद तीसरी राजधानी रही है। एक अध्ययन के अनुसार ब्राजील के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 35% पुरुष पशुओं के साथ संबंध बनाते हैं। ब्राजील में हर 10 मिनट में किसी न किसी की हत्या होती है। सबसे ज्यादा फुटबॉल विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड ब्राजील के नाम है, जिसने 5 बार इस खिताब को जीता है। ब्राजील की पुरानी राजधानी रियो डी जनेरियो में 20% से ज्यादा पुरुष गे है। ब्राजील में वोटिंग करना अनिवार्य है। वोटिंग ना करने की सूरत में किसी भी नागरिक का पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। क्राइम के मामले में ब्राजील कई देशों से आगे है। हत्या दर के लिहाज से दुनिया के टॉप 20 शहरों में से 10 शहर ब्राजील के ही है। ब्राजील में बिकने वाला एप्पल मोबाइल अमेरिका से दुगने दाम का होता है। तो दोस्तों, ये थी ब्राजील देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य देश की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।